हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गैजेट्स यूज से और आज हम बात करेंगे उन फोन्स के बारे में जिनसे आप रहें दूर। इन फोन्स को आप बिल्कुल ना लें। जी हां, सही सुना आपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको एक एक करके ये पांच फोन्स जिनसे रहें आप दूर। और पहला फोन यहाँ पे जो लिस्ट में है वो है मोटोरोला की तरफ से। इस फोन का नाम है मोटो X4। मोटोरोला के हिसाब से बहुत ही बढ़िया फोन है, मेरे हिसाब से ये बहुत ही घटिया फोन है। और ये घटिया इसलिए है क्योंकि ये 2018 में बिकने वाला वो फोन है जिसमें आपको 18:9 डिस्प्ले नहीं मिलता है। ये वो फोन है जिसके अंदर आपको छोटा डिस्प्ले मिलता है। ये वो फोन है जिसकी प्राइस भी कुछ ज्यादा ही है, तकरीबन 25,000 रुपए का ये फोन मिल रहा है। ऐसे में ये बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं है और आप इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो फोन्स आ रहे हैं वो है नोकिया 3 एंड नोकिया 2। ये दोनों ही फोन से आप दूर रहें। नोकिया की तरफ से ये बजट रेंज फोन्स लॉन्च किए गए थे, प्राइस के हिसाब से अच्छा हार्डवेयर नहीं मिलता है। इन दोनों फोन्स के अंदर आपको रैम भी 2GB 1GB मिलती है। 3GB रैम वाला तो फोन कम से कम बनता है 2018 में लेना। साथ ही साथ इन फोन्स के अंदर हार्डवेयर भी अच्छा नहीं है, प्राइस भी ज़्यादा है और देखा जाए तो बैटरी भी छोटी है। अगर हम बात करें नोकिया 3 तो नोकिया 3 में तो 2600mAh की बैटरी है। तो कहीं ना कहीं कम बैटरी की वजह से और पुराना हार्डवेयर होने की वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं और इन फोन से दूर रहें, क्योंकि नोकिया लॉन्च करने वाले हैं कुछ नए फोन जिसमें नोकिया 1 यानी कि एंड्रॉयड गो एडिशन का ओरियो वाला फोन होगा। साथ ही साथ नोकिया लॉन्च करने वाला है नोकिया 7 प्लस। इसके अलावा नोकिया 9 भी आ जाएगा डुअल कैमरा के साथ। तो ऐसे में मार्च तक अगर आप वेट करेंगे तो ये सारे फोन्स आपको इंडिया में मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लिनोवो की, और लिनोवो की तरफ से जो एक फोन है जिसको मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करता हूं वो है लिनोवो K8 Note। 13,000 रुपए का ये फोन है। 13,000 रुपए इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। पहली बात तो इसमें जो हार्डवेयर दिया गया है मीडियाटेक की वजह से वो अच्छा हार्डवेयर नहीं है क्योंकि फोन हीट अप होता है। डुअल कैमरा एक तरह का मजाक है क्योंकि डुअल कैमरा से आप अच्छी क्लैरिटी की फोटो नहीं ले पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम है एल्गोरिथम में और सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसी के साथ ये फोन भी पुराना हो चुका है, प्राइस इसकी वहीं अटकी हुई है। अब हम बात करते हैं एक और फोन की जो कि आपको कंसिडर नहीं करना है और ये फोन आ रहा है मोटोरोला की तरफ से। इस फोन का नाम है मोटो G5 प्लस। तो मोटो G5 प्लस पुराना फोन है, इसमें हार्डवेयर तो ठीक है लेकिन बाकी और चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको पहली बात तो अभी ही बहुत अच्छे फोन मिल रहे हैं जैसे कि ऑनर 9 लाइट। 11,000 रुपए का मोटो G5 प्लस लेने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन लाइट लें, उसमें आपको लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड भी मिलेगा। और ऐसे में मोटो G5 प्लस जो कि पुराना फोन हो गया है अभी तक भी उसमें ओरियो नहीं है। ये एक शर्म की बात है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी फोन लॉन्च कर देती हैं और बाद में उन्हें भूल जाती हैं और कस्टमर सिर्फ वेट करते रह जाते हैं कि कब उन्हें लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मिलेगा या फिर नए फीचर्स देखने को मिलेंगे उनके फोन के अंदर जो मुश्किल से 1 या 1.5 साल पुराना अभी हुआ है। जो लास्ट फोन है इस लिस्ट में वो है LG की तरफ से और ये है टॉप नॉच का फोन यानी कि LG V30 प्लस, जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ऐसे में ये फोन 45,000 रुपए का आता है। इसमें लेटेस्ट हार्डवेयर भी है लेकिन फिर भी मैं इसे रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता है। 45,000 से अच्छा है कि आप 30,000 से 35,000 के अंदर OnePlus 5T ले लो या फिर OnePlus 5T का और हायर वेरिएंट ले लो, उसमें भी आपके 40,000 खर्च नहीं होंगे, केस के लिए भी पैसे बच जाएंगे, आपको लेटेस्ट हार्डवेयर भी मिल जाएगा और ऐसे में इसकी प्राइस भी ज्यादा है। अगर इसकी प्राइस 40,000 से कम हो तो ही इस फोन को आप कंसिडर करें, 45,000 में तो ये फोन बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब इसी के साथ मैं बात करता हूं कुछ और ऐसे फोन्स की जो कि बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। तो यहां पे नाम आता है Redmi Note 4 का। Redmi Note 4 को आप क्यों ना लें, आप सोचेंगे भाई इतना पॉपुलर फोन है मैं मना क्यों कर रहा हूं, क्योंकि Redmi Note 4 का नया वर्जन Redmi Note 5 आ जाएगा इसी मंथ के अंदर। तो ऐसे में Redmi Note 5 एक बहुत ही बढ़िया फोन होने वाला है और वो फोन Redmi Note 4 से तो बेहतर ही होगा और प्राइस भी वही रहेगी। मुझे लगता है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस से पहले ही Redmi Note 5 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, बाकी देखते हैं कि वो कब आता है। मोस्ट प्रोबेबली ये 2nd week of February में आपको पता चल जाएगा। तो कुछ इसी तरह से ये सारी चीजें हैं जो कि अगर आप फॉलो करें, जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं, जो मैंने बताया है कि इन फोन से दूर रहें, अगर आप रहेंगे इन फोन से दूर तो आपके पैसे बच जाएंगे और आप एक बेहतर फोन ले पाएंगे मार्च 2018 में, क्योंकि ज्यादा वेट नहीं है, सिर्फ 1 महीने का ही वेट है। 1 महीने के वेट कर लोगे तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाएगी अपने पैसे की मोबाइल फोन परचेज के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए और हमारा थोड़ा खून बढ़ाइए। साथ ही साथ अगर आप और मेहरबान हो रहे हैं, नए हमारे चैनल पर आए हैं, तो उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो हम बनाते रहते हैं। फिलहाल शुभ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।
वंदे मातरम।